मेरी माँ की जब आखिरी रात थी जिंदगी की, मुझे नहीं पता था, तो मैं नमाज के लिए जा रहा था, तो मैंने माँ को बोला, माँ मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। बोला, तेरा हाथ दे, मैं तेरा हाथ चूमूंगी। आमतौर पर मेरी माँ पे हाथ नहीं चूमती थी, तो उस दिन उसको क्या हो गया कि तू हाथ दे, मैं तेरा हाथ चूमूंगी। मैंने बोला, माँ नहीं, मैं तेरा हाथ चूमूंगा। तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ चूमा और मैंने भी अपनी माँ का हाथ चूमा। माँ मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है, मैं ये निकल गया, मुझे पता नहीं कि होना क्या है। अब मैं सवालात के जवाब दे रहा था तो एक बाहर से एक लड़का आया, समझो, तो बोला आपकी बहन आपको बुला रही है घर पे। तो मैं बोला आ रहा हूं, फिर मैं अपने सवाल जवाब में मसरूफ रहा। दोबारा शायद वही आया कि आपकी बहन बुला रही है आपको, आप घर जाए। अब मुझे पता नहीं, एकदम से कुछ खटका हो गया, तो मैंने किसी को कहा कि यार हो ना हो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे दूसरा बुलावा है, यार मैं जाता हूँ। घबराहट होने लगी मुझे, मैं फौरन घर पहुंचा तो मेरी माँ की जबान बंद हो गई थी। सकरात कैफियत होती है, नजा और सकरात जो रूह कब्ज होने की कैफियत होती है, तो वो कैफियत मैंने महसूस की, वो झटके खा रही थी मेरी माँ। मैंने यासीन शरीफ पढ़नी शुरू की और उसी दौरान मेरी माँ जो थी बिल्कुल ठंडी हो गई, इनकी रूह कब्ज हो गई, इंतकाल हो गया। मेरी बड़ी बहन ने बताया कि जबान बंद होने से पहले तुमको बार बार याद कर रही थी माँ, मेरे मेरे को बाबू बोलती थी, मैं छोटा, सबके सबसे छोटा बेटा था, कि बाबू को जल्दी बुलाओ, बाबू को बुलाओ, मेरा बाबू कहीं मुझसे दूर न रह जाए, जल्दी बुलाओ। तो यूं हम बुलाते थे। खैर, तो बोला इस माँ ने कलमा पढ़ा, इस्तिगफार पढ़ा, हमने आबे जमजम भी पिलाया माँ को, बस तुम आए तो उसकी जबान बंद हो गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मेरी माँ पर अल्लाह ने इतना करम किया कि जिस सफर की 17वीं रात थी, सफर उल मुजफ्फर की 17वीं रात, रात के तकरीबन 10:15 बजे रूह कब्ज हुई, तो उस रात के 10:15 बजे एकदम से हमारे घर में खुशबूएं आती थी, तरह तरह की खुशबूएं। तो मैं दोस्तों को लाता था कि मैं इनको उनको खुशबू सुंघाता था, तो इस टाइम पे अब खुशबू शुरू हो गई है हमारे घर में और सुन्नी किस शान से दुनिया से जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुशबू मैंने सूंघी है कई बार और कई दोस्तों को भी मैंने सुंघाया, और ऐसे दोस्त अभी तक जिंदा हैं जो गवाही दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने तक वो मतलब उन्होंने भी सूंघी है खुशबू। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह मेरी माँ पर रहमत करे, इनकी बेहिसाब मगफरत करे।